अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थाली बजा रहे हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बीमारी की बात कर रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। चम्मच थाली सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। जो अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में थाली बजाने को लेकर देशवासियों और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, आज जब वो 338 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। विडंबना यह है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ हैं, शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पद चिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो
दो दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब जो चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। और वहीं नवनीत राणा ने पीएम मोदी की जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जमीनी स्तर पर काम करने वालों का समर्थन करते हैं और मैं पूरे समर्पण के साथ काम करूंगी और सभी को अपना परिवार बना करके काम करूंगी। आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली, और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावन खुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी। और जितने भी युति में, मैं एक ही बता सकती हूं कि बीजेपी में आज से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहकर मैं मेरे क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी करते आएगा मैं उसमें 100% उतर कर डेडिकेटेड भाजपा की कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में आगे काम करूंगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के झालावाड़ 12 लोकसभा समन्वयक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ जिले के दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने झालावाड़ जिले के भवानी मंडी, डग पिड़ावा और झालावाड़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाया ने कांग्रेस जनों से एकजुटता के साथ जुट करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने की अपील भी की। प्रमोद जैन भाया ने साफ किया कि कांग्रेस जनता के बीच केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर के जाएगी। और आपको बता दें कि झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी। रोजगार बढ़ाना तो दूर की बात है, और जो उन्होंने कटौतियां की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी उपकरण है सब में पोस्ट है कटौती की है, रोजगार को और घटाने का प्रयास किया है, तो के काला धन लाएंगे और प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। किसी के 15 लाख तो आया नहीं, ये जरूर है कि उन्होंने कंपनियों से बॉन्डों के जरिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एकत्र किए। और सबसे बड़ा जो शर्म की बात है, बीप कंपनी वालों से 250 करोड़ का चंदा, जो गोमाता की बात करते हैं और वो इस तरीके का पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता